अच्छा मेरे मित्रों, यह एक कांड आप लोगों के बीच यमडी म्यूजिक के सौजन्य से साथियों की आवाज में भेज रहा हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पसंद करेंगे। कैसे मास्टर? काल काल है कोई जाना नहीं, कब किसे आकर कैसे बना ले निशाना। खुद को बचते बचाते सभी काल से, फिर भी मिलता बदल करके सबसे ठिकाना। गाल फैलाए बैठा है हर मोड़ पे, हर लाख चतुराई कर ले भले पे है सियाराम दुनिया से जाना। यह कटुक सत्य है मेरे मित्रों, जो आया है उसे जाना है। यही एक लाइन गजल का अंदाज हो मास्टर, कैसे? हरे खुद ही वो, हरे खुद ही वो परेशा है मुझको आजमाने मेरा घर जलाने लेकिन धन है सियाराम कवि जी, भाव लिखे हैं क्या? हरे आए खुदा, हरे आए खुदा गरीबों की लेता क्यों परीक्षा है। शक्ति है शेष कुछ न इच्छा है। यहीं से कहानी का शुरुआत बा मास्टर, कैसे? जिला गाजीपुर,
नटु राम की कहानी है। सुनीता पत्नी से दो लाल नौ निहाल रहे, बड़ा था बादल छोटा आशीष मिसाल रहे। मिस्त्री का रोजगार रहा, शहर आई और ना गरीबी में परिवार रहा। ए बाबू, यही से कहानी का शुरुआत बा। जिला गाजीपुर सादात थाना अंतर्गत आप मजुई मोड़ से उत्तर साहिब नदी के पार बा, एक थे छोटे से गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम लोग मझौली बतावलन। वही मझौली में एक थे गरीब परिवार, छोट परिवार में पलत, जेकर नाम लौटू राम बतावल गल। पत्नी का नाम सुनीता हो, दूठ उन्हन लोग की जरी से दूठ बेटवा हमन, मात्र दुई बेटा। बड़का बेटा का नाम बादल हो और छोटका बेटा का नाम आशीष। बाबू रोज जोड़ाई कहके राज मिस्त्री के काम कहके अपने बचपन के पढ़ावत लिखावत हवन, खियावत पियावत हवन। आ जब धीरे धीरे लड़का 10-11 साल के भयल हवन, तो उस समय का भाव लगल मास्टर यहाँ एक लाइन गीत बा। दिखाई लैकन का गीत हो, कौनो लड़की शादी भइल भी, आ शादी भइले के बाद जब अपने घरे गई हो तो अपन ओरिजिनलिटी बतावत है। का बतावत है मास्टर? लिखत उनका छोटा परिवार साथे गरीबी अपार माई, सपना सजावेली हजार लाल जब बार हो जाई है, कटी जाई है दुखवा कबार, लाल जब बार हो जाई है। बड़ा लमहर सपना हो कि हमार लड़का जौने दिने बड़ हो जाइन, हमन का सारा दुख कट जाए। लेकिन ए भैया देखा, एक रात एक दिन एक ठे घटना घटल का। झोपड़ी में है अपनी जब सुतल ही आज सुनी ताए भाई, अगल बगल बादल आशीष के सुतवली भाई, लाल जब पार हो गई है।
13 तारीख की रात में माई अपने दोनों बेटवन बादल और आशीष के लेके अपने टूटही मड़ई में सुतल है। आज जब सुतल है तो भयल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लग गई। देखा ये मास्टर ये हमारे एल्बम का गीत बजावत हमन जौना में हम मरद है। अब मैं हरारू का रोल नीतू राज की ले उनकर हमसे मांग है, कुछ सामान मांगत है। कैसे मांगत है मास्टर? पिया अब की बाजारी जब जइहा एगो ले ले जइहा ढिलही कटहिया। लेकिन आप लोग बिरहा पे गौर करें, भाव लगल मास्टर का। एक बजे आधी रात के समय बेटा कहे लत होता मैया। एक बजे आधी रात के समय बेटा कहे दर्द हो मैया। ए बाबू लगभग एक बजे राती का दोनों लैकन के ओंघाई टूटल है माई। हमरे पैरवा में दर्द होती है, लागत है कुछ काट लेलस। माई उठल है, बेटवन के सुरावत है। जब उजियार लिए लिन आ अपने पति के जब जगौले हैं आ जब जगाए कि ए भैया देखलन लो तो भयल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लग गई। कहली कि ए बंदर कहली कि ए बंदर कूद जा जामू नहवा में कूद जा जामू नहवा में मन लाल काला मार। पापा पड़ोस जुटल गहुआ कलो गवायर गहुआ कलो गवा हो साप कटल हो पाते आसाजी। सुर सुन के अगल बगल पास पड़ोस के लोग आल हुन। जब लड़कन का उंगली देखले हुन लोग आशा लगावत हुन कि शायद इन्हें सांप कटले हुई। तो जब सांप कटले हुई तो लोग कैलन का बाबू फादात स्वास्थ्य केंद्र रतिया का लेके गईला रतिया का लेके गईला डॉक्टर साहब कहले नाई ला। और
रात का लोग आनंद फानन में लेके सी एच सी फायदात पहुंचल हों लोग। डॉक्टर साहब जब थोड़े देर के बाद अलन स्थिति देखले हों कलन की इस जगह पे सर्प डसने का इंजेक्शन नहीं है, आप लोग आगे कहीं दिखा दीजिए। तो आगे कहाँ लेके गए हों वो लोग? से स्वास्थ्य केंद्र सैदपुरा लेके गईला, सैदपुरा लेके गईला। डॉक्टर साहब कई दिहलन दास झरफू का तारा कोई काहे ला माऊ जाला, काहे ला माऊ जाला। बिचवे में तोड़ी दियलन फासजी, हे बाबू। वहां से लोग सोचत हवन दिल में कि आखिरकार अब बेटवा के लेके कहाँ चलल जा। बाहर ऊपर वाले के मर्जी, लोग गाड़ी से लेके मऊ चलल हवन। कुछ लोग कलन की आ रहे हैं झकवा झरवा फुकवा दे जा सही हो जाई, लेकिन कुछ लोग चलाकी का काम कलन कलन नहीं मऊ चलल जाई। ए बाबू, ए बिरहा के माध्यम से हम एक चीज जरूर आप लोगों के संकेत दहल चाहते हैं कि सर्प डस के मामले में आप अंधविश्वास से दूर रह। ये सर्प डस के मात्र केवल एक रास्ता हो, ट्रीटमेंट कर इलाज ही सबसे उचित और सबसे अच्छा हो। लोग मऊ लेके गए हवन आ जब मऊ फातिमा लेके पहुँचल हवन लोग, डॉक्टर साहब जब देखलन लड़का के देखले हवन, सोच के थोड़ी देर देख के बोललन कि भैया आप लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया, आप लोग अगर समय से आए होते तो इसका इलाज हुआ होता। अब तो यह लड़का रास्ते में ही दम तोड़ चुका है। जब इतना बतिया बाबू सुनने होने भैया तो यहाँ कहना लगल टेरी के कहना बा मास्टर कैसे अरे ललनवा काहे छोड़ला संगवा, हर कैसे खाली आते जाइबा हम भवनावा। बाबू लाश के देख क्रोध हुन रे बेटा, आखिर तू ये दुनिया के छोड़ के चल गईला, हम जाई तो तोरे माई के कौन मुंह दिखाई। यहाँ एक लाइन भाव लगल मास्टर कैसे कहाँ बिसराई गईला हीरावा, अमाई के तुआरी बनाए होगी। कहाँ बिसराई गईला हीरा, रतिया कया इन बाटी हर लेके तो के संगवा, हर जो हद हुई सुनीता हर बना के घर खानावा की। कहा बिफराई गईला हीरावा, हमाई के टुआरी बनाए होगी। कहा बिफराई गईला हीरावा, हे बाबू लाश के देह की रोवत हवन आवाज देते हूँ। अरे बेटा तू हमें छोड़ के चल गई ले,
तुर माई के सामने से लेके अली घरे कहली कि हमन के थोड़ा लेट हुई लेकिन के दवाई लेवे में घरे खाना बना के रखिया ये बेटा लेके तुहके घर वहां जाई। तुहर माई पूछी ये बेटा तो आखिर हम का बताई हमरे उकरे सवाल का जवाब देवे बेटा। बाबूजी की आंख से आंख झरझर झरझर चलत हो मास्टर भयल का हर रोब झरझर लवटुपुन के पतिया छतिया फाटले हर रोब झरझर लवटुपुन के पतिया छतिया फाटले आ कैसे जइबा घरे रुबा के छतिया छतिया फाटले अरे पूछी मसे सुनीता की अरे कावा लाल हेर बवला हो आई अंतिम मेला में काहे नहीं अरे हमरा के बोला बवला हो हरे के बतलाइब कैसे या गिर पतिया छतिया फाटले अपन पयाई इतना बजर विपतिया छतिया फाटले। ए भैया दिल में सोचत हमन जाई सुनीता अगर पूछी हम कहा जवाब दे कौन जवाब दे अपने सुनीता के यहाँ आल्हा में भाव लगल मास्टर कैसे हाय रे गरीबी बदी नसीब का समैया भैया अखिया का ज्योति दोनों ये कई दिन चल रे गईली पबही विवाह हो के सोचत मनवा भैया होतना घटनवा जब की फापन देती दिया लोग अपने गरीबी पर पछतात हुअन आखिरकार लौटू लाश लेके आज अब अपने घर की ओर चलल हुअन। जब घर की ओर चलल हुअन लोग का घरे भीड़ लगल हो लोग दिल में सोचत हुन साद अगर सीएचसी पे कर इलाज हो गल हो ब्लॉक पे इलाज हो गल हो तो शायद दोनों लड़का बच गए होतन। लेकिन ए बाबू ये तो गौवा के लोग सोचत हवन जब माई अपने बेटवन का लाश दिखले हो पछाड़ा खाए के गिर लिया रोवत थियो आ कौने भाव में रोवत थे मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लग गई हर देखले सुगा नवन के लाशिया न हो माई कैली ठकुआ छाती
हम के लगवला दे जब माई बेटवन का लाश देखले हो झरझर झरझर रोवत हो माई का रुदन देख के गांव वाले लोग भी रोवे लगलन। लेकिन दो लोगन के दिल में एक ठे बात का कसक हो और कोने बात का कसक हो मास्टर खड़ी में कहना लगल हमीरन के लाखो मिल जाई उपचार हो गरीब बेबाप सरकार हो हर शासन के लोग जागी शासन अंधा हल्लो टू दोनों बेटा वन के साथ दहल कंधा भैया लौटू अपने दोनों बेटवन का लाश के लेके जब कंधा देत हुवन गांव के लोग साथ गंग संगी साथी साथ में जनाजा में निकलल हुवन वहां के प्रधान लालचंद चौहान जी भी उपस्थित रहे और चौहान शब्द वेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुज आप पवन चौहान जी साथ में जनाजे के लोग चले हैं। तो आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय मास्टर कैसे रमन गुरु बिहारी बलदेव बेचन स्वर्ग सिधारे हर स्वरूप गिरधारी पूज्य